हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपको बताऊंगा कि फिश अमृतसरी कैसे बनाते हैं। फिश अमृतसरी को कभी भी बैटर में डीप फ्राई नहीं किया जाता है। फिश अमृतसरी को पहले मसालों में मैरिनेट किया जाता है, उसके बाद उसमें थोड़ा सा राइस फ्लावर और बेसन की कोटिंग दी जाती है। उससे आपकी जो फिश है ना एकदम क्रिस्पी बनती है। तो अगर आप भी सीखना चाहते हैं एकदम क्रिस्पी फिश अमृतसरी बनाना, तो ये रेसिपी आपके लिए एकदम परफेक्ट रेसिपी है। फिश अमृतसरी बनाने के लिए हमें सबसे पहले बोनलेस फिश चाहिए होगी। तो यहाँ पर मैंने आधा के जी बोनलेस फिश लिया है। इसके ऊपर जो एक्स्ट्रा पानी होता है ना, उसको आपने किसी नैपकिन पेपर से ऐसे सोक कर लेना है और इसको आपने दो हिस्सों में ऐसे डिवाइड कर देना है। आप फिश अमृतसरी बनाने के लिए किसी भी बोनलेस फिश का यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे सवाई बोनलेस फिश ली है ये। इसके बाद हमने इसके ऐसे छोटे छोटे पीसेज कर लेने हैं। ज़्यादा मोटे पीसेज ना रखें फिश के, क्योंकि फिश को जब हम डीप फ्राई करते हैं ना तो फिश भी पकने में ज़्यादा टाइम ले लेती है। तो ये देखिए, लेंथ आप इसकी ज़्यादा बड़ी कर सकते हैं, लंबाई में आप इसको थोड़ा ज़्यादा बड़ा काटना चाहें तो काट सकते हैं। मैं आपको डायरेक्ट भी दिखा सकता था बिना कटिंग के कि ये देखिए मैंने फ़िश ली है, इसको मैंने काट लिया, बट आपको पता होना चाहिए कि फ़िश को हमने काटना कैसे है। अब हम इसको मैरिनेट करेंगे। तो देखिए, हमने फ़िश को अच्छे से काट लिया है। सबसे पहले इसमें डालेंगे आधा छोटा चम्मच सॉल्ट और एक छोटा चम्मच पूरा भर के डालेंगे इसमें देगी मिर्च पाउडर। देगी मिर्च पाउडर से ही इसका अच्छा कलर आता है। अजवाइन डालेंगे आधा छोटा चम्मच। अजवाइन को आपने क्रश करके डालना है, तभी इसका जो फ्लेवर है वो एक्टिवेट होता है। अजवाइन हमारे फिश को डाइजेस्ट करने में भी हेल्प करेगी, क्योंकि फिश को जब हम डीप फ्राई कर देते हैं वो थोड़ी हैवी हो जाती है खाने में। फिर हम इसमें ऐड करेंगे एक छोटा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। 1/4 चम्मच डालेंगे इसमें हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर बिल्कुल थोड़ा सा डालना आपने। साथ में डालेंगे रोस्ट की कसूरी मेथी, जिसको मैंने क्रश करके डाला है। थोड़ी सी हींग डालेंगे, क्योंकि फिश में थोड़ी बहुत अगर स्मेल हो तो हींग से वो ख़त्म हो जाती है। ग्रीन चिल्ली डालेंगे चॉप की हुई, आप ग्रीन चिल्ली का पेस्ट भी इसमें डाल सकते हैं। थोड़ा सा अदरक भी डालेंगे चॉप की हुआ इसमें, और साथ में डालेंगे एक छोटा चम्मच मस्टर्ड ऑयल। फिर इसमें ऐड करेंगे लेमन जूस। तो यहाँ पर मैंने 2 लेमन का रस निकाल के इसमें ऐड किया है। साथ में इसमें डालेंगे बेसन। तो आप देख लीजिए अभी क्वांटिटी कितनी कितनी ऐड करनी है। तो यहाँ पे मैंने 3 छोटे चम्मच बेसन ऐड किया है। आधा के जी फिश में 3 छोटे चम्मच बेसन। साथ में डालेंगे इसमें राइस फ्लावर। राइस फ्लावर आप घर में बना सकते हैं, राइस को मिक्सी में आप ग्राइंड कर लीजिए, राइस फ्लावर बन जाता है। तो 2 छोटे चम्मच आपने राइस फ्लावर ऐड करना है इसमें। यह है कॉर्नफ्लावर। कॉर्नफ्लावर भी अच्छा क्रंच देता है फिश में, तो कॉर्नफ्लावर का आपने 1 से 1.5 चम्मच इसमें ऐड करना है। अब हमने इन सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से बीज के साथ मिक्स कर लेना है। तो ये देखिए, अच्छे से सॉफ्ट हैंड से आप फिश को मिला लीजिए, ज़्यादा ज़ोर से नहीं मसलना है, ताकि हमारी जो फिश है वो टूटने नहीं चाहिए। अगर आपको लगे कि फिश के ऊपर कोटिंग ज़्यादा ड्राई हो रही है, तो आप इसके ऊपर पानी के थोड़े से छींटे मार सकते हैं, बट ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना है। एकदम बैटर नहीं बनाना है इसका, कोटिंग ऐसी होनी चाहिए कि फिश के ऊपर उसकी अच्छी पकड़ होनी चाहिए। तो ये देखिए, अच्छे से आपने इसको मिक्स कर लेना है और 15 से 20 मिनट तक आपने इसको ऐसे छोड़ देना है, ताकि मिर्च मसालों का टेस्ट फिश के अंदर तक चला जाए। तो 20 मिनट के बाद मैं इसको फ्राई कर रहा हूँ। देखिए, तो यहाँ पे ऑयल का टेम्परेचर मीडियम होना चाहिए, ज़्यादा हाई टेम्परेचर में आपने फिश को फ्राई नहीं करना है, नहीं तो बाहर से फिश में एकदम से कलर आ जाएगा और आपकी जो फिश है वो अंदर से कच्ची रह जाएगी। तो ये देखिए, मैंने एक एक करके आधे पीसेज फिश के फ्राई करने को ऐड कर दिए हैं ऑयल में। अभी आपने फिश को 30 सेकेंड तक हिलाना नहीं है। अगर आपको लगे कि फिश नीचे चिपक रही है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, फिश अपने आप ही कढ़ाई से छूट जाती है। ये देखिए, पहले हमने फिश को हाफ फ्राई करना है। जब भी आप किसी भी चीज़ को डीप फ्राई करें ना, तो उसको आप पहले हाफ फ्राई कर लें, क्योंकि दोबारा से जब हम उसको डीप फ्राई करते हैं तो उसमें अच्छा क्रंच निकल के आता है। तो गैस की फ्लेम यहाँ पर मीडियम रहेगी। तो ये देखिए, बहुत ही बढ़िया इसमें कलर निकल के आया है। तो यहाँ पे हमारी जो फिश है ना, हाफ फ्राई हो चुकी है। अब आप इसको 1 मिनट के लिए साइड में रख दीजिए और 1 मिनट के बाद फिर से आप इसको डीप फ्राई कर लें। तो यहाँ पे गैस की जो फ्लेम है वो मीडियम टू हाई रहेगी। मीडियम टू हाई फ्लेम में आप फिर से फिश को फ्राई कर लें, उससे फिश में अच्छा क्रंच निकल के आएगा। मैंने पहले भी फिश अमृतसरी बनाने की रेसिपी अपलोड की थी, बट वो एक बैंक्वेट स्टाइल फिश बनाई थी 10 से 12 केजी। तो काफ़ी व्यूअर्स ने मुझे कमेंट करके बोला था कि फिश अमृतसरी की रेसिपी अपलोड करें 1/2 केजी में। तो ये देखिए, फिश हमारी अच्छे से फ्राई चुकी है। आप कलर देख सकते हैं इसका, कोटिंग देख सकते हैं, हर चीज़ एकदम परफेक्ट बनी है। आप इस रेसिपी को एक बार ट्राई करके देखेंगे, तभी आपको इसके टेस्ट का पता चलेगा और क्रंच का। तो इसको सर्व करेंगे रेडिश के सैलेड के साथ। रेडिश को आपने कद्दूकस करना है, उसमें थोड़ी सी अजवाइन, ग्रीन चिली, सॉल्ट और लेमन निचोड़ना है। वो सैलेड बनके आपका तैयार हो जाएगा। और थोड़ा सा इसके ऊपर चाट मसाला ऐड करेंगे, तो ये बन गया।